गाइस आ चुके हैं हम आज आपके लिए लेके मेरठ वालों की प्रसिद्ध दुकान श्री राम जी कचौड़ी वाले। देख सकते हो बेडमी पूरी, खस्ता कचौड़ी, गुलाब जामुन, रायता यहाँ अवेलेबल है। और ये इनकी शॉप है संजय नगर सेक्टर 3 पी ब्लॉक में। सो गाइस अभी चलिए हम पहुँच चुके थे यहाँ पे, जस्ट हमने अभी प्लेट लगवा ली अपने लिए और अभी मैं ओनर से मिलवाता हूँ यहाँ के श्री राम जी कचौड़ी वाले की और आपको पूरी जानकारी देते हैं क्या अवेलेबल है यहाँ पे। सो गाइस आ चुकी है हमारी, देख सकते हो रायता मंगा लिया हमने और क्या कहते हैं पूड़ी आ गई चार और आलू की सब्जी और पेटे की सब्जी। देख सकते हो ये 40 रुपये की प्लेट है, आप लोग आकर ट्राई कर सकते हो। और इनका मिर्च का चावल बहुत ही फेमस, बहुत ही डिफरेंट है, इन्होंने बताया अभी जस्ट। तो चलिए अभी जीजू साथ आए हैं, एक बार पूछते हैं टेस्ट कैसा लगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। फाइनली आ चुके हैं नया ब्लॉग लेके और आज का ब्लॉग होगा आपके लिए बढ़िया कुछ खस्ता कचौड़ी और आलू पूड़ी वाला। तो चलिए कल आज हम जा रहे हैं संजय नगर पी ब्लॉक सेक्टर 23 में, जो कि है श्री राम जी पूड़ी वाले, जो बहुत फेमस है। कहते हैं 40-50 साल से उनकी शॉप चल रही है मेरठ में, प्रसिद्ध एकदम, और अब वो आ चुके हैं संजय नगर में। तो चलिए कहते हैं लेके चलते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनका, तो हमने आपके लिए खोज के निकाला बिल्कुल सेक्टर 23 में भी। तो लोकल अगर आप यहाँ रहते हो राजनगर एक्सटेंशन राजनगर में तो आप आके खा सकते हैं, इनके गुलाब जामुन बहुत फेमस है और खस्ता कचौड़ी आलू पूड़ी। तो चलिए निकलते हैं फिर सिरा से, फिर मिलते हैं बहुत ही लाभ से। तो गाइस आ चुके हैं हम आज आपके लिए लेके मेरठ वालों की प्रसिद्ध दुकान श्री राम जी कचौड़ी वाले। देख सकते हो बेडमी पूरी, खस्ता कचौड़ी, गुलाब जामुन, रायता यहाँ अवेलेबल है। और ये इनकी शॉप है संजय नगर सेक्टर 23 पी ब्लॉक में। तो चलिए अभी हम बनवाते हैं एक बढ़िया सी प्लेट, लगवाते हैं खस्ता कचौड़ी, खिलाते हैं आपको और फिर दिखाते हैं टेस्ट कैसा है एक बार। सो गाइज अभी चलिए हम पहुंच चुके थे यहाँ पे, जस्ट हमने अभी प्लेट लगवा ली अपने लिए और अभी मैं ओनर से मिलवाता हूँ यहाँ के श्री राम जी कचौड़ी वाले की और आपको पूरी जानकारी देते हैं क्या अवेलेबल है यहाँ पे। सो भाई साहब नाम बताइए पहले अपना। आप ओनर है यहाँ के? हाँ जी। तो एक बार पहले अपने श्री राम जी कचौड़ी वालों के बारे में कुछ बताइए, इनकी प्रसिद्धि क्या किस चीज में, फिर आगे की डिटेल बताइए क्या क्या अवेलेबल है यहाँ। हमारी मेरठ थी पहले दुकान। अच्छा, कब से चल रही है? 40 साल हो गए लगभग। अच्छा, हमारे पिताजी कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो है हम यहाँ खुला है संजय नगर में। कब खुला है यहाँ पे संजय नगर में? 11 मार्च को खुला। अच्छा 11 मार्च, तो गाइस अभी देख सकते हो 4 महीने हुए ऑलमोस्ट यहाँ सेक्टर 23 संजय नगर में खुला है ये पी ब्लॉक में, तो आप आके ट्राई कर सकते हो। अब एक बार बता दो क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे और क्या अलग है यहाँ पे। स्पेशल है हमारा। अच्छा, थोड़ी स्पेशल है, सब्जी पूरी भी स्पेशल ही है। अच्छा, क्या चार्जेस रहते हैं? चार्जिंग है हमारी सब्जी पूरी का 40 रुपये। अच्छा अच्छा, दो सब्जी है, काशी फल की, आलू की। अच्छा, इसका चार है। अच्छा, और सबसे औरों से क्या अलग रहने वाला है स्वाद में? स्वाद में ये है, मैं पत्तल बिल्कुल ओरिजिनल लगा रखी है। अच्छा, पत्तल लगाई है। अच्छा, और स्वाद में जो हमारा मिर्च का चार है वो अलग टाइप का है। अच्छा, और कचौड़ी वगैरह भी अवेलेबल है? चलिए ठीक है, तो गाइस अभी कल तो चलिए खाते हैं, हम आपको प्लेट लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं टेस्ट कैसा है, फिर आगे की जानकारी देते हैं। सो गाइस आ चुकी है हमारी, देख सकते हो रायता मंगा लिया हमने और क्या कहते हैं पूड़ी आ गई चार और आलू की सब्जी और पेटे की सब्जी। देख सकते हो ये 40 रुपये की प्लेट है, आप लोग आकर ट्राई कर सकते हो। और इनका मिर्च का चावल बहुत ही फेमस, बहुत ही डिफरेंट है, इन्होंने बताया अभी जस्ट। तो चलिए अभी जीजू साथ आए हैं, एक बार पूछते हैं टेस्ट कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करिए। पेठे की सब्जी बहुत बहुत ही अच्छी बनाई है और ऐसा लग रहा है जैसे घर में बनती है, उसी टेस्ट की है, ना ज़्यादा मसाला है ना कुछ, बहुत ही अच्छा। एक बार आलू की सब्जी का और टेस्ट। बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। तो रिकमेंडेड है गाइस, आप लोग आ सकते हो, टेस्ट करके बता दिया है। तो चलिए अभी हम थोड़ा कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं आगे। सो गाइस अब हमने मंगा लिया इनके स्पेशल गुलाब जामुन, देखते हैं। और चलिए बढ़िया एकदम,
गुलाब जामुन भी टेस्ट हो गया रायते के साथ और आलू पूड़ी के साथ, बहुत बढ़िया। तो मस्त है, आप लोग आ जाओ सारे फटाफट और खा के जाओ मस्त एकदम। सो गाइस चलिए, हो चुका हमारा यहाँ पे खाना, टेस्ट हो गया मस्त एकदम। और राम जी की चोड़ी पे आप लोग आ सकते हो, खा के ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। और सेक्टर 23 शनिनगर में जस्ट है, देखो ये बड़ी शॉप है, ये जस्ट सेक्टर 23 का चौराहा है पी ब्लॉक का, और यहीं पे हमारी शॉप है ये श्री राम जी का चौड़ी मेरठ वाले। तो चलिए फिलहाल के शेयर में बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, फाइनली आ चुके हैं वापस शेरा में। और क्या कहते हैं, गर्मी हो रही काफ़ी ज़्यादा, बट हम टेस्ट करके आ गए, बहुत ही अल्टीमेट है। गुलाब जामुन जरूर ट्राई करना अगर आओगे तो, साथ में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था। तो चलिए करते हैं, फिलहाल के लिए ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आएगा और आप आके ट्राई कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को फूड ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे अपने, तो देखते रहो, सपोर्ट बनाए रखो, और भी नई नई चीज़ लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए इस ब्लॉग, फिलहाल के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर गाइस।